नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, तो हमने लास्ट वीडियो में 82 क्वेश्चन तक किया था, अब अभी 83 वाला देखते हैं। घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? तो वह होगा बस्तर में। ठीक है, बस्तर में निर्मित होता है घड़वा कला। इसे भ्रष्ट मोम पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रष्ट मोम पद्धति। ठीक है, ये कहा जाता है घड़वा कला को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध कलाकार छित्रुराम किस कला शिल्प में दक्ष हैं? तो छित्रुराम का याद रखिए, वह मिट्टी शिल्प कला। इसे रजवार भित्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजवार भित्ति। ठीक है, रजवार भित्ति भी कहा जाता है किसको? मिट्टी को। ठीक, छित्रुराम या इसे छित्रुराम, कहीं कहीं पे छित्रुराम भी लिखा होता है। ठीक है, छित्रुराम तो ध्यान में रखना है, छित्रु जो भी है, रजवार भिट्टी या फिर मिट्टी। ठीक है, भित्ति मिट्टी। ठीक, इस शिल्प कला से दक्ष है। नेक्स्ट देखिए, दसमत गाथा छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो दसमत गाथा याद रखना दुर्ग जिले से संबंधित है। ठीक है, DDD DDD करके याद रख सकते हो। दुर्ग जिला, दसमत गाथा और कौन सी जनजाति गाती है? देवार जनजाति द्वारा गाई जाती है। ठीक है, देवार जाति द्वारा गाई जाती है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, 86, गाय के गले में बांधे जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं सुहई। ठीक है, सुहई कहते हैं। ठीक, सुहई है। ठीक, ये कहते हैं। तो याद रखना, गाय वाले में जो बांधते हैं गले में, उसे सुहई कहते हैं। सुतई नहीं बोलते। ठीक है, सुतई ना बोल के सुहई बोलते हैं, सुहई। ठीक, छत्तीसगढ़ी में देखते होंगे गाय को ऐसे बुलाते हैं, हई हई आ ऐसा करके। ठीक है, गांव में आप सुनते होंगे तो हई करके ही बुलाते हैं गाय को, एक कोड वगैरह। जैसे कुत्ते को बुलाते हैं तो ऐसे पुचकार के बुलाते हैं ना, वैसे गाय को ऐसा वैसे ही पुचकार के बुलाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुत्तालिका नृत्य भी कहा जाता है? तो तारा नृत्य हमने पहले भी देखा था, एक बार और आ चुका है, ये तारा नृत्य है जिसे पुत्तालिका नृत्य कहते हैं, और जो युवतियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, युवतियों द्वारा किया जाता है। पत्ता शिल्प के लिए विख्यात जनजाति कौन सी है? तो देखिए, पत्ता शिल्प का कार्य ना बहुत सी जनजाति करती है, जैसे शिकार जनजाति, ठीक है, कंडरा जनजाति, ठीक है, और वैसे ही पनारा जनजाति, यह भी पत्ता शिल्प का कार्य करती हैं। ठीक है, झारा, बंजारा, ये जो जनजाति हैं वो गोदना गोदने वाली जनजाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय लोगों में प्रचलित ढूकू प्रथा क्या है? तो ढूकू ना एक विवाह का प्रथा है, जिस जो कि हठ विवाह है। और ये जो ढूकू विवाह है, वैसे तो सभी जनजाति में प्रचलित है हठ विवाह, परंतु जो ढूकू नाम है, यह पहाड़ी कोरबा में हठ विवाह को ढूकू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, तो याद रखना, हठ विवाह का प्रकार है ढूकू विवाह। ठीक, ढूकू विवाह हठ विवाह का प्रकार है। देवदास बंजारे का संबंध किससे है? तो पंथी नृत्य से है, हम देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छेड़ता गीत कब गाया जाता है? तो छेड़ता गीत, तारा और छेड़ता दोनों गीत है ना, पुष पूर्णिमा के समय गाया जाता है। जब छेड़छेड़ा त्यौहार मनाते हैं ना छत्तीसगढ़ में, नई फसल जब आती है उसमें, तब मनाते हैं, छेड़ता गीत तभी गाते हैं पुष पूर्णिमा। ठीक है, जैत खाम निंद में से किससे संबंधित है? तो सतनाम पंथ से संबंधित है, सतनामी से। ठीक है, ये वाले सतनामी से, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, सोनाबाई किस कलाकार का उपनाम है? तो निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा इन्हें ही उनका उपनाम है सोनाबाई। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की पहली कवयित्री मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिदाबाई मरकाम ये किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, फिदाबाई मरकाम किस जिले से संबंधित है? नेक्स्ट है कथन, ददरिया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? सॉरी, ददरिया छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोकगीत है ये बताया है, या उत्तर भारत की अर्धशास्त्रीय दादरा शैली से जुड़ा हुआ है ये बताया है। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है? देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ददरिया तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गीत है, इसे प्रेम गीत, प्रणय गीत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रणय गीत कहा जाता है। तो ये पहला वाला बस सही है, और इसका जो कारण है ना, अर्धशास्त्रीय दादरा शैली, वो गलत है। ठीक है, तो पहला वाला बस सही होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्विवाह को यहाँ चूड़ी पहराई कहते हैं। ठीक है, चूड़ी मतलब होता है चूड़ी, चूड़ी पहना के दोबारा जो विवाह करते हैं वैसा किया जाता है। ठीक है, तो चूड़ी पहराई याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, पंडवानी क्या है हमारा? पंडवानी लोक गाथा है ना, लोक गाथा, लोक गाथा है पंडवानी, तो पहले आ जाएगा दो। फिर सरहुल, सरहुल क्या है? उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और त्यौहार भी है, तो एक आ जाएगा, ब का ए। चुरकी मुर्गी, चुरकी मुर्गी एक देखा जाए तो लोक गीत ना हो के, यहाँ पे तो गीत दे दिया है और कोई ऑप्शन में नहीं है। चुरकी मुर्गी ना कहानी है, लोकगीत भी बोल सकते हैं, प्रचलित है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया करके हम लोकगीत ये ले सकते हैं। ठीक, और रहस्य, रहस्य जो है हमारा लोक नाट्य है। ठीक है, रहस्य हमारा डी का तीन हो जाएगा। ठीक, तो रहस्य हमारा लोक नाट्य होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दिखा क्या आपको? कौन सा है? 2, 4, 1, 3 शायद ऑप्शन आगे पीछे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, रहस्य हमारा क्या है? लोक नाट्य है, पंडवानी लोक गाथा है, ठीक है, सरहुल लोक नृत्य है, और जो बच्चा लोक गीत में चुरकी मुर्गी को ले दिए, परंतु ये ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। चुरकी मुर्गी हमारी लोक जो है ना, छोटी छोटी जो कथाएं आती हैं उसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो देवार गीत का कथानक में उसके अंतर्गत आते हैं चंदा रौतैन भी है, दसमत कहना, नगेसर कहना, तीनों शामिल है। ठीक है, मतलब सभी आएगा। ठीक, चंदा रौतैन, दसमत कहना, नागेसर कहना। ठीक है, पनवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पता होगा, यह महाभारत पर आधारित है, महाभारत के चरित्र द्रौपदी और पांडव की कहानी है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किया गया है सबल सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी पंडवानी। नेक्स्ट 100 नंबर का देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्न से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? तो ये हमने देखा था रहस्य में। ठीक है, यहाँ पे जो राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, पौराणिक चरित्रों का जो मानव रूप है वो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है, हमने ये भी पहले देखा था। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से ही प्रचलित है, यहाँ छत्तीसगढ़ में रहस्य नाम से इसे प्रचलित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो लोक कला संस्कृति का है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ठीक, और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते होंगे इसके बारे में, जो अंदर यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिव्स में बता रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा डिटेल नहीं बताया जा सकता। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थापना, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आए, बहुत तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित
सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ।